देख के छुट्टी दिया जाता है, धर्म देख के छुट्टी दिया जाता है, और रक्षाबंधन है तो छुट्टी नहीं मिलेगा। तो इस तरह का काम कब तक चलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है। अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में रहेगी तो आने वाले दिन में कहेंगे कि मंदिर में घंटी बजाना बंद करो, अपना कमर नहीं संभल रहा है, अपना शरीर नहीं संभल रहा है। वो कहीं न कहीं जवाब देते हैं कि हम नरेंद्र मोदी की नट्टी पकड़े। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलना आसमान में थूकने जैसा है। कर आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। शिक्षा विभाग के द्वारा जिस तरह से लगातार जो फरमान लाए जा रहे हैं, और जिस तरह से बात करें तो जो छुट्टियों में कटौती की गई है, अब आपको बताते चलें कि जो रक्षाबंधन है या हो या दुर्गा पूजा हो या छठ में जो है शिक्षा विभाग के टीचरों को छुट्टियां में कटौती की गई है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और विधायक हैं नीरज कुमार बाबलू। सर, कैसे देख रहे हैं शिक्षा विभाग में जिस तरह से छुट्टियों में कटौती की जा रही है, शिक्षा विभाग का नया फरमान? देखिए, सिर्फ शिक्षा विभाग का हाल नहीं है, पूरे राज्य में यही दशा है हर एक विभाग का कि यहाँ तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है। मुंह देख के छुट्टी दिया जाता है, धर्म देख के छुट्टी दिया जाता है, और रक्षाबंधन है तो छुट्टी नहीं मिलेगा। तो इस तरह का काम कब तक चलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है। अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में रहेगी तो आने वाले दिन में कहेंगे कि मंदिर में घंटी बजाना बंद करो, आरती करना बंद करो, मंदिर जाना बंद करो। यही हाल होने वाला है बिहार में। जनता हर कुछ देख रही है और आने वाले समय में जनता इस चीज़ का जवाब देगी। लेकिन सर, जिस तरह से बात करें कि आपने धर्म की बात कही, लेकिन इसमें तो मुस्लिम धर्म के भी शिक्षक होते हैं, कई सभी धर्म के शिक्षक होते हैं, तो इसमें तो कोई धर्म का नहीं आ रहा। अब और जो शिक्षा विभाग है वो कह रहे हैं कि छुट्टी इसलिए कटौती की गई है कि आप लोग ज़्यादा पढ़ाइएगा विद्यालय में भी। देखिए, ये क्लियर स्पष्ट संदेश होता है कि कब छुट्टी या बंद। रक्षाबंधन में छुट्टी कम करना नहीं देना, ये किस धर्म का रक्षाबंधन है? कौन सा दूसरे धर्म के लोग राखी बंधवाते हैं? इसमें टीचरों का बात नहीं, बात छुट्टी का है। छुट्टी जिस तरह से कम किया जाता है, ये कहीं ना कहीं एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है, इसलिए ये सब काम बिहार में चलते रहते हैं। सर, जिस तरह से बात करें कि एनडीए की एक बड़ी बैठक मुंबई में होने वाली, उससे पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद मुंबई के लिए चले गए, लेकिन वो जाते जाते कह दिए हैं कि जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के नरेटिव पर चढ़ने के लिए। देखिए, लालू यादव जी को कोर्ट ने जमानत दिया है स्वास्थ्य के आधार पर कि उनको स्वास्थ्य लाभ करना चाहिए। उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल करें। जो आदमी खुद से खड़े नहीं हो सकते हैं, कभी चले जाते हैं बैडमिंटन खेलने के लिए, कभी अनाप शनाप स्टेटमेंट देते हैं, तो इस तरह के स्टेटमेंट से कोर्ट भी संज्ञान मिलेगी और बिहार की जनता भी देख रही है कि जो जिसको अपना कमर नहीं संभल रहा है, अपना शरीर नहीं संभल रहा है, वो कहीं ना कहीं जवाब देते हैं कि हम नरेंद्र मोदी की नट्टी पकड़ें। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलना आसमान में थूकने जैसा है। जनता देख रही है कि जनता किसके साथ है। ये लोग अनाप शनाप बयानबाजी करेंगे तो हर चीज़ का हिसाब जनता करेगी। सर, मुंबई में बड़ी बैठक होने वाली है 31 तारीख को, और जिस तरह से कहें तो संयोजक बनाने की बात लगातार चल रही थी, लेकिन नीतीश कुमार कहते फिर भी आंदी है कि हमको कुछ बनने का शौक नहीं, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए, आप सुने होइएगा कहानी, कहावत कि खट्टे अंगूर कौन खाए। यही हाल है नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। इनको पता है कि इनको कुछ नहीं बनाने वाला, कोई इनको प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी मानने वाला नहीं है, तो बेचैन हो जाते हैं। अब बेचैनी में जी रहे हैं, सपना देख रहे हैं दिन में कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, और वहाँ कोई इनको संयोजक बनाने के लिए भी राय विचार चल रहा है, बनाए नहीं बनाए। किसी भी पार्टी को माननीय नीतीश कुमार जी पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, चाहे वो उधर के लोग हैं या कहीं के लोग हैं। पूरे इंडियन टीम, जो इंडिया टीम बनाए हैं, किसी दल को इन पर भरोसा नहीं है, और जो आरजेडी उनके साथ है, आरजेडी को भी भरोसा नहीं है। आरजेडी अपने मतलब से इनको आगे किए हुए कि किसी तरह कुर्सी छोड़ के चल जाए, मुख्यमंत्री कुर्सी हमको मिल जाए, यही हाल उस गठबंधन का है। और इनका कुछ नहीं होना, वो तो कांग्रेस के नेता पहले ही कह दिए हैं, सोनिया गांधी सुनते हैं कह दी है कि अब चुनाव के बाद तय होगा कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन होंगे। ये हाल है कि बिना दूल्हे का बारात घूम रहा है, दर्जनों दूल्हा है। अब सोच सकते हैं कि जहां दर्जनों दूल्हा होगा उस बारात का क्या हाल होगा। सर, एक लास्ट सवाल लेंगे, जिस तरह से मुंबई में इंडिया की बैठक होने वाली है, दूसरी बैठक में तो नाम फाइनल हुआ कि इंडिया गठबंधन का नाम रखाया, आपको क्या लगता है इस बैठक में क्या कुछ समझ निकल के आएगी? प्रधानमंत्री का चेहरा भी बताया जाएगा या संयोजक बताया जाएगा जिस तरह से? देखिए, ये खाली बैठक चलेगा, ये आपस में अपने आप को जितने दल हैं सबको संतुष्ट करने में लगे हुए, कोई संतुष्ट नहीं है। मैंने बताया कि इसमें दर्जनों कैंडिडेट हैं प्रधानमंत्री के, पहले आपस में तय तो करें कि कौन कैंडिडेट होंगे, उसके बाद हमसे पूछिए। चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और इन्होंने तमाम सालों को जवाब दिया। तमाम खबर बने रहे न्यूज़ 4 के साथ। नमस्कार।